हेलो दोस्तों, हमारे चैनल VS ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय में अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया है एडमिशन के लिए, तो दोस्तों यह वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय में बहुत सारे कॉलेज का अभी तक मेरिट लिस्ट क्यों नहीं आ रहा है। साथ ही दोस्तों, अगर आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर दिया होगा तो उसको आपको कैसे सुधार कर लेना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप गलती को सुधार नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो दोस्तों सारा डिटेल इस वीडियो में होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, यह 20 अगस्त को एक शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि 30/7/2021 से ऑनलाइन पोर्टल ओपन हुआ था, जिसमें दोस्तों 17 अगस्त तक आप जो है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते थे। इसके बाद दोस्तों 18 से 20 अगस्त के बीच आपको जो है मेरिट लिस्ट आ जाना था, लेकिन दोस्तों मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आया है, क्योंकि आगे बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे महाविद्यालय से प्राप्त जानकारी मिली है कि दोस्तों जो प्रथम सेमेस्टर यानी जो स्नातकोत्तर के प्रथम सेमेस्टर में फॉर्म भरे हैं, इसके साथ ही दोस्तों जो स्नातकोत्तर के डिप्लोमा में और LLM और LLB के पाठ्यक्रमों में जिन छात्रों ने फॉर्म सबमिट किया है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों अब गलती क्या की है, उन्होंने दोस्तों जो फाइनल ईयर का जो नंबर होता है तो उसी को भर दिया है, ना कि एग्रीगेट, यानी कि दोस्तों आपको जो है केवल फाइनल ईयर का ही नंबर नहीं भरना है, बल्कि तीनों साल मिलाकर जो एग्रीगेट नंबर होता है उसी को आपको भरना होता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने केवल फाइनल ईयर पे प्राप्त जो अंक है उसी को सबमिट कर दिया है, इसीलिए दोस्तों कॉलेज को मेरिट लिस्ट निकालने में परेशानी हो रही है, इसलिए दोस्तों यह नोटिस जारी हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप पूरा जो है डेट देख सकते हैं, अगर आपने जो है इस प्रकार से गलती कर दिया होगा तो आप 21/8/2021 से 25/8/2021 के बीच आप जो है तो सुधार कर सकते हैं। इस वीडियो में कैसे सुधार करना है वह भी मैं बताने वाला हूँ, तो इसीलिए वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। साथ ही दोस्तों आपका पहला मेरिट लिस्ट वह 26 से 27 के बीच आ जाएगा, उसी प्रकार दोस्तों आपको 31 अगस्त तक कॉलेज में जाके एडमिशन हो ही जाना है। अगर दोस्तों फिर भी सीट खाली रह जाती है तो आपको 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच आपका जो सारा प्रोसेस कराया जाएगा। आई होप दोस्तों इस प्रकार से आप इस डेट को अच्छे से ध्यान से देख लिए होंगे, इसी कारण दोस्तों आपका जो है पहला मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, यानी कॉलेज अपना मेरिट लिस्ट नहीं निकाल पा रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक नीचे टिप दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लें। इसमें बताया जा रहा है कि यदि आवेदकों द्वारा समय अवधि के अंदर त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा तो उस स्थिति में त्रुटिपूर्ण आवेदनों को महाविद्यालय द्वारा मेरिट सूची में शामिल नहीं किए जाने के संबंध में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि आप दोस्तों त्रुटि का सुधार नहीं करते हैं, आप उसमें चेंज नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको जो है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें अपना जो है त्रुटि में सुधार कैसे करना है। दोस्तों अगर आपने फॉर्म सबमिट कर लिया हो तो इस प्रकार से आप एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि आपने कहीं गलती से जो है इस प्रकार से तो नहीं भर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपके फॉर्म को सुधार करने के लिए या उसे चेक करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च टैब पर आना है और यहाँ पर आपको शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही दोस्तों सर्च करेंगे आपके सामने एक पहला वेबसाइट दिख जाएगा, snpv.ac.in, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो है शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ एक ऊपर में फ्लैश शो हो रहा होगा, ऑनलाइन पोर्टल कॉलेज स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, आपको थोड़ा सा नीचे आना है, आपको एडमिशन के सेक्शन पे आ जाना है, एडमिशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और इसको डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेते हैं, जिससे कि आपको इंटरफेस सही तरीके से दिख जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना यूजर आईडी डाल दिया, नीचे पासवर्ड भी डाल दिया, उसके बाद एक आई एम नॉट रोबोट लिखा है, यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से राइट का निशान आ जाएगा, उसके बाद हमें साइन इन के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हमारे सामने साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको दोस्तों ऊपर में आपका नाम दिखेगा, साथ ही आपका जो है आईडी दिखेगी, और नीचे दोस्तों आप किस कोर्स में अप्लाई किए हैं वो सारा डिटेल यहाँ से देखने को मिल जाएगा। हमें दोस्तों थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में एडिट रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, आपका जो है मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको वेरीफाई करा लेना है, क्योंकि दोस्तों OTP वेरीफिकेशन के बगैर आपका जो है फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए हम OTP डाल देते हैं।
दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक कर देना है। इसी दोस्तों आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से पर्सनल डिटेल देखने को मिल जाएगा। आप दोस्तों चाहे तो पर्सनल डिटेल में से अगर कोई गलती हो गया हो तो आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा, आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएंगे नीचे, आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर आप फोटो और सिग्नेचर में भी अगर कोई गलती हो गया हो तो उसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों एक नया पेज ओपन हो जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों आपको टोटल जो मार्क है वह 1800 में से आपको एग्रीगेट कितना मिला है वह डालना है। जैसे कि दोस्तों मैं एक जो है यह रिजल्ट है आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यह बेसिक पार्ट 3 फाइनल ईयर का रिजल्ट है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें दोस्तों आपको 600 नंबर का टोटल मार्क था, उसमें आपको 474 नंबर मिला है। तो दोस्तों इसको आपको नहीं डालना है बल्कि आपको नीचे आना है, और नीचे आने पर यहाँ पर आपको AGGR यानी एग्रीगेट लिखा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों जो है ईयर को के नंबर को मिलाकर एग्रीगेट बनाया जाता है। तो दोस्तों टोटल नंबर यहां पर आपको 1800 डालना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको ऑप्टेन नंबर में जो आपको 1261 प्राप्त हुआ है वही डालना पड़ेगा। इसी कारण दोस्तों आपका जो फॉर्म अगर ऐसे नहीं किए होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप एडिट करके इस प्रकार से उसको कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ से यहाँ आपको देख लेना है, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा टोटल मार्क 1800 है और उसमें 10 मार्क का मतलब आपको कितना नंबर मिला है वह यहाँ पर डालना है, और यहाँ फिर आपका परसेंट शो हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर आपने 600 नंबर डाल दिया है, 600 नंबर पे आपको केवल फाइनल ईयर का ही डाल दिया है तो आपको ये डिलीट का बटन दिख रहा है, वहाँ आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको दोस्तों इसमें देखना है, सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है। आप जो है 12th के बाद करें तो 12th करेंगे, अगर UG दोस्तों अगर आप PG पर डाल रहे हैं तो आपको UG पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट आपको अपना जो कॉलेज का नाम डाल देना, या अगर स्कूल का नाम है तो आप स्कूल का नाम डाल सकते हैं अगर आप यूजी में करना चाहते हैं तो। इसके बाद दोस्तों स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना है कि आप जो है BA BSc कौन से किए हैं, यहाँ पर स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप जो है PG में डालना चाहते हैं तो कॉलेज का ईयर है, 3 ईयर का ड्यूरेशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ईयर अगर आपने कॉलेज किया है तो कौन से साल में किया है वहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है और यहाँ पर आपको रोल नंबर दे देना है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ रिजल्ट में अगर आप पास हैं तो पास पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों टोटल मार्क, यहाँ पर टोटल मार्क जो 1800 सेलेक्ट करना है। अगर आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फाइनल ईयर में जो 1800 टोटल एग्रीगेट होता है वही भरना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों ऑप्टेन नंबर में 1800 के बगल में आप कितना नंबर पाए यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों को मिलाकर आप कितना नंबर पाए वो लिखा रहता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह ये लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिक शो हो जाएगा और यहाँ पर अपना जो है डिवीजन लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 8 का बटन दिखेगा, उसको 8 के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से दोस्तों आपका सारा डिटेल जो है 8 हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार से इसको एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि टोटल मार्क में 1800 है या नहीं है, और ऑप्टेंड मार्क में आपको जितना मिला है वो है कि नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों आपको डल जाने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको 10th का जो है सारा डिटेल मांग रहा है, तो दोस्तों इसमें से कोई गलती है तो इसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट का बटन पर क्लिक कर देना है, जो है पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ जो है सारे जो कॉलेज सेलेक्ट किए हैं वह यहाँ से देख सकते हैं, अगर चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, इसको आप आसानी से चेंज भी कर सकते हैं, और चाहे तो नया कॉलेज भी ऐड कर सकते हैं। नया कॉलेज ऐड करने के लिए सेलेक्ट इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर देंगे। दोस्तों कोर्स आएगा, कोर्सों को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने NSS और NCC पूछा जाएगा। दोस्तों आप लेना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर देंगे, नहीं तो फिर से आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है, और इस प्रकार से आपका जो है सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ से अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर फिर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है 10th का मार्कशीट अगर डालना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर से आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर चाहते हैं तो यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों फिर से
से आपको नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा फिर से नीचे आना है और आपके सामने डिक्लेरेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। इस डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको जो है टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको नीचे आना है, सारे जो कंडीशन उसको एक्सेप्ट करना है और यहाँ कन्फर्म टू सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो फॉर्म टोटली सबमिट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप इस प्रकार से अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ऐसी और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।